हाय गाइस, एमबीए सीईटी 2022 को लेकर के एग्जैक्टली 75 डेज बचा हुआ है. सो व्हाट शुड बी योर एक्शन, प्रिपरेशन कैसे करनी है, आई विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग फॉर दी सीईटी 2022. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, आई होप यू मस्ट हैव अटेंड सम ऑफ द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आज आपका एग्जैक्टली सीमैट का एग्जाम है, ये लिख के भी आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि अब मुझे सीईटी फुल फोकस में रखना है या क्या एग्जैक्टली करना है. बाकी के भी एंट्रेंस आपने अगर लिखे हुए हैं तो आपका मैथ्स जो है वो काफ़ी लेवल पे आपने प्रैक्टिस किया होगा, इंग्लिश भी किया होगा, लॉजिक भी किया होगा, बट सीईटी एग्जाम थोड़ा सा अलग एग्जाम. सीईटी इज नथिंग बट द स्पीड काइंड ऑफ एग्जाम, जहाँ पे अपने को भागना है, टाइम बिल्कुल नहीं है और एक्यूरेसी भी आपको एट द सेम टाइम थोड़ी सी मेंटेन करनी है. ओके, सो आउट ऑफ 200 वी नीड टू हिट 140 प्लस का स्कोर टू एंड अप विद द जेबी. उसके बाद आपका सिडनम, वेलिंगकर, एसआईएस, डालमिया, ये सारे कॉलेजेस आ गए, कुंबा, पुणे एंड ऑल. ठीक है, सो लॉजिक वाला एग्जाम है आपका सीईटी. सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 75 लॉजिक वाले आएंगे. उसके अंदर भी आपके एनालिटिकल है, अरेंजमेंट पजल, ट्रेडिशनल है, उसके बाद आपका वर्बल क्रिटिकल वाला जो पार्ट है और 25 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट के. तो ये 100 मार्क्स का ब्रेकअप हो गया. तो मेरा तो सेशन यही रहेगा कि आप लॉजिक को फुल फोकस में रख करके आउट ऑफ 100. सो एवरी टाइम आई कीप ऑन सजेस्टिंग लॉजिक के अंदर आउट ऑफ 75 जो है आपका 55 प्लस का स्कोर इज अ डिसेंट स्कोर एंड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आउट ऑफ 25 20 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर. तो 75 प्लस आउट ऑफ 100 बेसिकली. बाकी का काम आपको करना पड़ेगा इंग्लिश और मैथ्स में. तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल चाहिए और वन लाइनर वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज आपका हो गया, ग्रामर वाले क्वेश्चन हो गए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, वो सारे एरिया पे आपको काम करो. ठीक है, इंग्लिश में टाइम नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जंप करने आना चाहिए. मतलब आपको क्वेश्चन रीड करो एंड फिर आरसी पे जंप करो, कुछ ये तरीके की स्ट्रैटेजी लगेगी इंग्लिश में. ओके, सो दोज यू थिंक मेरी इंग्लिश वीक है तो आपका डेली का 1 आवर का न्यूज़पेपर रीडिंग एडिटोरियल द हिंदू का चालू करो. ओके, बिकॉज वो नहीं करोगे तो फिर इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा, रीडिंग पे काम करना पड़ेगा आपको. सो इंग्लिश में 50 में से 30 से 35 इज अ डिसेंट स्कोर अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो. और मैथ्स के अंदर आपको डीआई पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम डीआई, बाकी के क्वेश्चन आपके मैथ्स से होंगे. ठीक है, सो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं मैथ्स के अंदर ही और बाकी प्योर मैथ्स आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नॉन. तो मैथ्स के अंदर भी 30 से 35 का ब्रेकअप. अगर आपका मैथ्स वीक है तो इंग्लिश को थोड़ा सा 35 तक लेके आओ. सो अगर 75 आपका लॉजिक में बन रहा है और 65 यहाँ पे आ रहा है, कंबाइनिंग 100 मैथ्स 50 एंड इंग्लिश 50, तो अपना 140 का स्कोर बन रहा है. मतलब अपने को अच्छे कॉलेज में एडमिशन फॉर श्योर मिलेगा. तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. बट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन मैं बोलूँगा आज ही एक जाके मॉक लिखो, एक मॉक लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप. तो जितने लोग के पास मॉक प्रोग्राम नहीं है, लिंक आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द मॉक प्रोग्राम. ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम, इमीडिएटली इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड राइट द वन मॉक टेस्ट एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप. उसके हिसाब से आगे की प्रिपरेशन को अपने को चैनलाइज करना है. दूसरा जो है वो कॉम्पिटिशन है. कॉम्पिटिशन 1 लाख के ऊपर है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है. मतलब 1/4 लोग को रफली एडमिशन एमबीए कॉलेजेस में मिल रहा है. अभी रिसेंटली सीडीसी ने स्टार्ट रिलीज किया हुआ है, जो तो अपने को वो भी ध्यान में रखना है कि भाई अपने को अच्छा कॉलेज चाहिए. अगर एमबीए करने के बाद एक डिसेंट प्लेसमेंट नहीं मिला तो एमबीए करना वेस्ट होगा आपका. सो टू हैव अ गुड प्लेसमेंट यू नीड टू हैव अ गुड कॉलेज एंड टू गेट इनटू द गुड कॉलेज यू नीड टू हिट गुड स्कोर. सब चीज़ें कनेक्टेड है. ठीक है, सो इनकेस इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन देन एट मेनुअर वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स बैच. यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. फॉर द क्लासरूम कोचिंग इफ यू आर मुंबई बेस्ट, चेक आउट बोरीवली, दादर एंड वसई. एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 8828581455 या तो ये वाले नंबर पे कॉल कर लो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए. एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, ऑनलाइन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल प्रोग्राम, देन ऑल द लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. डू रिमेंबर वन थिंग गाइस, इतने एग्जाम लिखने के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ है, सीईटी लास्ट ऑप्शन है आपके पास. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो इट विल बी डिफिकल्ट, एक साल अपना वेस्ट होगा. तो वो माइंड में रख करके, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 1 ईयर, वो चीज़ दिमाग में रख के आपकी प्रिपरेशन करो. स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.